गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल इसको हिंदी में कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन जस्ट कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अभी अभी पूरा हुआ है। द एक्शन हैज बीन जस्ट कंप्लीटेड, वे कार्य जो अभी अभी पूरे हुए हैं, ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन जस्ट कंप्लीटेड, वे कार्य जो अभी अभी पूरे हुए हैं, ऐसे कार्यों को शो करने के लिए, बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इज कंटिन्यूइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है जो पास्ट टेंस में स्टार्ट हुए लेकिन अभी भी जारी है, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मॉन्यूमेंट हैज स्टूड हियर फॉर मोर 300 ईयर्स। द मॉन्यूमेंट हैज स्टूड हियर, यह स्मारक यहाँ खड़ा है फॉर मोर देन 300 ईयर्स, 300 साल से अधिक समय से यह एक स्मारक यहाँ पर खड़ा है। मतलब 300 साल पहले यह कार्य प्रारंभ हुआ था और अभी भी है, तो ऐसे कार्यों को भी व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शंस व्हिच टुक प्लेस इन द पास्ट बट द रिजल्ट ऑफ व्हिच वी कैन सी आर फील इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है जो पास्ट टेंस में प्रारंभ हुए हैं लेकिन उसके रिजल्ट को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वर्तमान काल में। ऐसे कार्य जो पास्ट टेंस में प्रारंभ हुए लेकिन उसके रिजल्ट को हम महसूस करते हैं वर्तमान काल में, उसके रिजल्ट को हम वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में देख सकते हैं, तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे माय अंकल हैज गॉट अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। माय अंकल हैज गॉट अ टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरे चाचा के पास 3 साल का पढ़ाने का अनुभव है। तो वो 3 साल का अनुभव लेने के लिए वो 3 साल पहले से टीचिंग का कार्य प्रारंभ किए होंगे लेकिन उसका रिजल्ट हम लोग कहाँ महसूस कर रहे हैं, आज वर्तमान टाइम में प्रेजेंट टेंस में महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इट आल्सो शो पास्ट इवेंट्स द टाइम फॉर व्हिच नॉट मेंशनड। इट आल्सो शो पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आल्सो शो पास्ट इवेंट्स, भूतकाल की घटनाओं को भी बताता है। द टाइम फॉर व्हिच नॉट मेंशन, जिसका समय मेंशन नहीं किया गया रहता है, जिसके समय को नहीं बताया गया रहता है और वो इवेंट्स जो होते हैं पास्ट टेंस में घटित हुए रहते हैं, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, हियर आर अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दैट विल बी योर लास्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स।